आज हम बना रहे हैं मूली की भुर्जी। ये मूली है, इसको मैंने धो के और छील के रखा है। मूली को साग भी इसका काट के रखा है। करीब आधा किलो मूली है। 100 ग्राम लिए पालक, 4 कली लहसुन की, स्वाद अनुसार नमक, अदरक कद्दूकस करी हुई, 30 ग्राम सरसों का तेल और 50 ग्राम लिए उड़द की धुली हुई दाल। इसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था, अब पानी से निकाल के रखा है। मूली की भुर्जी बनाने के लिए मूली के साग को उबाल लेते हैं। साथ में डालेंगे पालक काट के। पालक काट के हम इसलिए डालेंगे ताकि मूली के साथ ये मिक्स हो जाए और मूली की भुर्जी लटपटी और स्वादिष्ट बने। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और लगाएंगे 6-7 सीटियाँ। 6-7 सीटियाँ लग गई हैं। कुकर खोल के देख लेते हैं, साग भी सॉफ्ट हो गया है। अब इसकी भुर्जी बनाएंगे। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल 30 ग्राम। सरसों के तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे, फिर हल्का सा ठंडा करके और डालेंगे अदरक कद्दूकस करी हुई, कुटी हुई लहसुन, लहसुन को थोड़ा ब्राउन करके फिर डालेंगे 1 चम्मच जीरा साबित, 1/4 चम्मच डालेंगे अजवाइन, हल्दी और बाद में डालेंगे उड़द की दाल। अगर आप उड़द की दाल की जगह मूंग की दाल डालना चाहते हो तो मूंग की दाल भी आप ऐसे ही डालेंगे जैसे मैंने उड़द की दाल डाली है। इसके बाद डालेंगे मूली। मूली और दाल को मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे ताकि दाल थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, और बीच में खोल के देखेंगे कहीं मूली हमारी बर्तन से लग तो नहीं रही। मूली की भुर्जी में डालेंगे कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर से मूली की भुर्जी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। थोड़ा ढक के और रखेंगे 15 मिनट के लिए, दाल सॉफ्ट हो जाए तब तक ढक के रखेंगे। देख लेते हैं, पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, फिर मिक्स करेंगे और दाल चेक करेंगे। दाल भी सॉफ्ट हो गई, इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए, इतनी सॉफ्ट चाहिए दाल हमें। तो मूली की भुर्जी तैयार है। गैस की फ्लेम हम बंद कर लेते हैं और मूली की भुर्जी को सर्व करते हैं। तो लीजिए, तैयार है प्रोटीन कैल्शियम से भरपूर दाल और मूली की भुर्जी। तो इसी तरीके से आप बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।